ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पिछले कुछ दिनों से लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने मीडिया को कुछ स्टेटमेंट भी दिए हैं। चुनावी वक्त में उपराष्ट्रपति के लगातार दौरे से सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्पष्ट तौर पर नाखुश है। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार के इस तरह के रवैये पर नाराजगी जताई है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति धनखड़ के लगातार प्रदेश दौरों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आप बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, इसका क्या दुख है? यह संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका मान सम्मान रहना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बयान में कहा कि उपराष्ट्रपति जो अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं और उपराष्ट्रपति पांच जगह जाएंगे, आज पांच जगह एक ही दिन के अंदर, चार हेलीकॉप्टर पांच जगह दौरा है एक दिन के अंदर, बता दीजिए आप। तो क्या गवर्नर साहब हो चाहे उपराष्ट्रपति जी हो, हम सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री ने इस पर कहलवा दिया कि प्रोटोकॉल में कोई नहीं आया, ना मंत्री आए, ना गवर्नर आए, ना अधिकारी आए। मैं चाहूंगा उनका भाई रास्ता मेरा खुद का घर है, या प्रोटोकॉल में कोई नहीं आया, बार बार जो मैं बार बार आऊंगा, कई बार आऊंगा। अब चुनाव आ गए हैं तो मैं चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपा करके अभी मेहरबानी, अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है क्या? तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, आप बार बार आओगे क्या लोग समझेंगे आपके बारे में? आप चाहते क्या हो? ये संवैधानिक संस्थाएं जो है उनका मान सम्मान, कोई सरकार हो, उपराष्ट्रपति बने थे भैरवी शेखावत साहब, शानदार स्वागत किया मैंने उनको मुख्यमंत्री निवास बुला करके, उनकी तुलना नहीं किया, उनकी पार्टी ने स्वागत किया ही नहीं। एक महानगर टाइम के गोपाल शर्मा है, पूरा रिश्ते थे, 200 लोगों को बुलाया उसने लक्ष्मी होटल के अंदर, वो सम्मान होगा, मुझे बुरा लग रहा था, मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त, मैंने बुलाया शानदार निवास पर। शेखावत साहब 52 से मंत्री एमएलए बनते आ रहे थे, उस जमाने के ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर आईको जलेश थे, आईपीएस थे, आईएएस थे, जो भी थे, उन सबको मैंने बुलाया, तो दो ढाई घंटे बैठे वहां देखा, उन्होंने इस सबसे मैं मिल पाया एक साथ में। तो मैं कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं करता ऐसे मामलों के अंदर, और आज उपराष्ट्रपति बार 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 मैंने 5 साल में आगे होंगे बताइए। वहीं आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का फिर से सत्ता में आने का दावा किया है। उन्होंने कहा, लोग कह रहे हैं कि इस बार सरकार आ सकती है, नहीं बल्कि सरकार आ रही है, इसका मतलब है कि मामला इस बार ठीक हो सकता है। सीएम ने कहा, सरकार बदलने का नुकसान होता है, वसुंधरा की सरकार ने ईआरसीपी दी लेकिन हमने उसको बंद नहीं किया, इसके विपरीत वसुंधरा सरकार ने सरकार बदलते ही मेट्रो के आगे का काम बंद कर दिया। अंबाबाड़ी से 22 गोदाम तक की मेट्रो का काम इन्होंने बंद कर दिया, रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। हमारे समय में हम पशुपालकों को 2 रुपए दूध पर सब्सिडी देते थे, जिसे बीजेपी ने बंद कर दिया, अब हमने आकर के उसको चालू किया, तो उसका नतीजा यह रहा कि आज राजस्थान दूध उत्पादन में नंबर 1 हो गया है, अन्य प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।